नमस्कार, मैं हूं अंकित चौहान। एक बार फिर मैं हाजिर हूं, मैं भी हूं मैदान में कार्यक्रम को लेकर। आज हमारे साथ मौजूद हैं अर्चना शर्मा जी, जो वार्ड 34 से भाजपा की प्रत्याशी दावेदार हैं। और जो भाजपा की प्रत्याशी हैं, अब देखना यह होगा कि जनता 29 तारीख में इन पर कितना भरोसा जताएगी। लेकिन उन्होंने भाजपा पर भरोसा जताते हुए जनता का सहयोग मांगा है। लेकिन उससे पहले जानेंगे कि आखिरकार क्या तैयारियां हैं और किन मुद्दों को लेकर चुनावी मैदान में है। सबसे पहले हम आपसे जानना चाहेंगे कि क्या तैयारियां, क्या क्या समस्याएं आपके सामने आ रही है। नमस्कार अंकित जी, मैं अर्चना शर्मा। मेरी सबसे बड़ी प्राथमिकता जो मैं जनता से मिली हूँ अपनी वार्ड 34 की, वो सफाई की समस्या है। नालियों में जल भरा होता है और कूड़े का निस्तारण प्रॉपर नहीं होता है, यही हमारी प्राथमिकता है। और मुझे सबसे पहले, अगर मौका मिलता है, जनता मुझे अवसर देती है, तो मैं सबसे पहले सफाई, कूड़े के निस्तारण की प्रॉपर व्यवस्था करूँ। अच्छा, उसके अलावा जिस तरीके का आप जा रही हैं क्षेत्र में, और किस तरीके का प्यार मिल रहा है क्षेत्र में? जी, मुझे प्यार तो भरपूर मिल रहा है। लोग भारतीय जनता पार्टी में पूरा भरोसा दिखा रहे हैं और मोदी जी के आह्वान पर सभी लोग भारतीय जनता पार्टी को सहयोग करने के लिए तैयार हैं। क्षेत्र की जनता से क्या अपील रहती है आपकी? जो क्षेत्र की जनता से मुझे वोट करने की अपील रहती है कि वो 100% मतदान करने जाएं, चाहे मुझे करें या किसी और को करें। प्राथमिकता तो यही कि मुझे करें, लेकिन मतदान करने अवश्य जाएं, मेरी ये अपील है। अच्छा, क्षेत्र में जाकर जो समस्याएं आती हैं, तो क्या क्या समस्याएं रहती हैं? प्राथमिक समस्या तो उनकी सफाई को लेकर ही है, नालियों में जल भराव की समस्या, बाकी और कोई समस्या नहीं। अच्छा, एक और बड़ा सवाल, भारतीय जनता पार्टी से आप प्रत्याशी हैं और कहीं ना कहीं जो जीएसटी और नोटबंदी के जो मोदी जी ने जो फैसले लिए, क्या उसका असर इस चुनाव पर भी नहीं? जी नहीं, कोई असर नहीं है, बल्कि मध्यम वर्ग इससे खुश है। जीएसटी और नोटबंदी से मध्यम वर्ग, निम्न आय वर्ग सभी बहुत खुश है और सभी भारतीय जनता पार्टी के साथ है। मुझे अभी तक कोई ऐसा नहीं मिला जिसने नोटबंदी के लिए भारतीय जनता पार्टी या जीएसटी के लिए भारतीय जनता पार्टी का विरोध किया, ऐसा कोई भी नहीं मिला। किस तरीके की फाइट मान के चल रही है, किस सामने वाला कौन रहेगा? नहीं, मेरी किसी से कोई फाइट नहीं है, मेरा किसी से कोई मुकाबला नहीं। खास चुनावी मुद्दे रहे हैं आपके? मेरा मुद्दा तो सफाई का ही है, मुझे सफाई करनी। और सबसे बड़ी बात यह अंकित जी, मेरा वार्ड 34 जो है वो शिक्षा की दृष्टि से भी बहुत समृद्ध है। शिक्षा और चिकित्सा, वार्ड 34 को बहुत सारे अस्पताल भी यहाँ मिले हैं, बहुत सारे विद्यालय भी हैं और महाविद्यालय भी हैं। तो मैं चाहती हूँ कि यहाँ पर छात्रों को सुरक्षा भी मिले, और मैं चाहूंगी कि यहाँ पर जितने भी वाहन चलते हैं, दोपहिया वाहन भी, वहाँ पर मैं हेलमेट भी कंपलसरी करवाऊंगा, अनिवार्य हो मेरे वार्ड 34 में चलने वाले सभी दोपहिया वाहन चालकों। कल योगी जी भी आ रहे हैं, उनके लिए क्या कहेंगे और क्या क्षेत्र? मेरा सौभाग्य कि मेरे चुनाव के समय पर योगी जी का दौरा हो रहा है, और मुझे पता है कि योगी जी के आते ही हमें जो भी सहयोग नहीं मिल रहा, वो सहयोग भी मिलने लगेगा। हाँ, सब कुछ सहयोग मिलेगा। योगी जी का आना हमारे लिए सौभाग्य की बात है। क्षेत्र की जनता से क्या अपील? क्षेत्र की जनता से यही अपील है कि मतदान करने जरूर जाएं। 100% मतदान अगर होगा, जिस दिन हमारे क्षेत्र की, हमारे भारत की जनता 100% मतदान करेगी, उस दिन आप देखिए भारत का भाग्य बदल जाएगा। तो ये भी हमारी अर्चना जी, जिन्होंने सवालों के बेबाकी से जवाब दिए हैं, जनता पर भरोसा जताया। आप देखना ये होगा कि 29 तारीख में जनता किसके पक्ष में मतदान करती है। अपने सहयोगी के साथ अंकित चौहान, पब्लिक टीवी इंडिया।